दोस्तों नमस्कार, तत्काल टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के द्वारकापुरी क्षेत्र के महालक्ष्मी परिसर में और अवसर है दशहरा मिलन समारोह का और इसके आयोजक है समाज समर्पित ग्रुप और इसमें श्री गोल ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग और समाज जन एकत्रित हुए हैं आज उनके सम्मान। और सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल गायक नहीं हूं, शौक है गाने का बजाने का, गा लेता हूं। हमारे सुनील भैया का, मनोज भैया का, सभी का आग्रह हुआ तो आज फिर मौका मिला है। हरिओम। तो आपके सामने सर्वप्रथम एक गणेश जी का आज हमारे इस दशहरा मिलन समारोह में हमारे श्री श्री गोल ब्राह्मण समाज की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती प्रज्वलता जी मंडल पधार चुके हैं। श्रीमती चंद्रकला जोशी जी का सम्मान करने जा रहे हैं श्रीमती रंजना पाठक जी, श्री मधु त्रिवेदी जी एवं संध्या बेन। हम आगे उसका पालन क्यों नहीं करते, इसलिए ये हमारे जो महान बुजुर्गों का सम्मान हुआ है, ये हमारे माता पिता है, समाज सेवा के लिए जोरदार ताली है, ये हमारे समाज के मतलब हुआ, ये उनसे मिलता है जहां में पहुंचे रवि और कवि वहां पहुंचे अनुभवी। उसके चुनाव में हो रहा है, अपने समाज के दो बंदे वहां खड़े हैं और अपने समाज का पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है। ये ताली बजाने वाली बात है, बहुत बड़ी उनकी जानकारी आप अभी हमें भिजवा दें, क्योंकि अभी हमारा जो है डायरेक्टरी का काम चालू हो गया है
और इसमें डॉक्टरों की लिस्ट कंप्लीट हो गई है हमारे पास में, अधिवक्ताओं की लिस्ट कंप्लीट हो गई है, कर्मकांडी पंडितों की लिस्ट कंप्लीट हो गई है। इतना खुशी का रहा कि शायद दुनिया में मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा सम्मान ही बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इंसान को अपने बुजुर्ग होने के समय में अनुभव होती है और उसका ध्यान लेकर तो उसको लगता है कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ समाज के लिए, देश के लिए, औलाद के लिए कुछ किया है और उसका सम्मान मुझे आज मिल रहा है। तो मेरे को भी ये खुशी हुई। अभी अभी मेरे भाई साहब आए थे जो मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं, वो भी मेरे साथ प्रमुख हैं। मेरे को खुशी हुई कि शायद दुनिया में ऐसे कम लोग होंगे जो कि अपने सामने अपने भाई साहब लोगों के सामने ऐसे शिष्य लोग उनके सम्मान करें और उनको इतने प्रतिष्ठा दें। अरे ये आवाज में उसका विरोध करें, ये बहुत जरूरी है। मेरा साष्टांग प्रणाम, आप सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। दादा हम चालू सर्वश्रेष्ठ रहना पड़ता है और सभी पालक की अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा जो है वो गवर्नर बन जाए। जब गवर्नर बन गया तो वहाँ पर एक इंजीनियर महोदय रिटायर थे, वो अपना रिजर्वेशन का काम करते थे, स्टूडेंट चाहते थे उनके लिए। तो एक बार वो बहुत दुखित हुए, उनकी वाइफ की तबीयत खराब हुई, बच्चा अच्छी पोजिशन में था, दो दिन की छुट्टी मिली, आगे चला गया। तो वो आंसू बहाते थे, तो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत जग जागे जग जी चले आना, जग जागे आना संकेत मिलन का, भूलन जाना मेरा प्यार इसराना, जब लखन जंगल निहारूंगा तुम अपने नैनों में जहाँ पहली बार मिले इस जगह चले, जहाँ पहली बार उस जगह चले चले नदिया के किनारे, आज मुझे अम्बुआ के आना, जब दीजिए जब शाम से सांझ सवेरे मिलते हैं, आ आ
वो दादा के गीत को समर्पित है कि जब दीप जले आना सामाजिक स्थिति में भी हम ये रखे एक दीप जले तो सब दीप जले वो हम इस सम्मान कर रहे हैं कि ये तो सच है भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पे ये एक अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और ये बहुत ही अच्छे से सफल हुआ है आज और इसके लिए हमें श्री सुनील कुमारी जी और उनकी टीम जो कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद आज ये इतना भव्य आयोजन आयोजित उन्होंने किया है इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद एक मैनेजमेंट लाए समाज में आज हमारे समाज में निर्णय लेने की क्षमता भी है किसी में कोई भी निर्णय नहीं ले सकता संगठनों से और जिसको कहते हैं हमके अधिकृत आज हमको ये भवन खरीदना है तो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता कि हमको ये भवन खरीदना है 24 जने मिलते हैं 24 के विचार मिलते हैं और चीज वही मैं तो इसी में खुश हूँ कि आपने हम सबको बुजुर्ग मान लिया सम्मान के कार्य जबकि हमेशा आप लोगों को यही निवेदन करती कि समाज में हम भी काम करें कितने भी आगे बढ़ने की कोशिश करें और जो चाहते वो वैसा मिल सकता हमारे पास कोई ताकत नहीं हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिससे जैसे पुरानी जी ने बोला कि अगर हम चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता क्योंकि सब अपने अपने जॉब में परिवार में लगे हुए हैं परंतु आज की आवश्यकता है कि संगठित हो समाज एक दूसरे के लिए मदद करे प्रेम भाव हो संस्कार हो आज हम दशहरा मिलन मना रहे हैं राम जी ने जिस प्रकार से जीत के आए थे बुराई से को हरा के और सच्चाई की जीत की आज ऐसे दिन आप हमको सम्मानित कर रहे हैं मैं तो कहूँ कि हम हो सकते हैं कि और आपके साथ और आप हमको झेलते रहे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको दशहरा मिलन की झलकियां पसंद आई होगी फिर किसी अगले कार्यक्रम में आयोजन मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत